जैसे 90% तो योग्य को भेजा गया जो सिचुएशन को हैंडल कर सके, और यही चाहता था पाकिस्तान कि तुम एक गलती करो ढिंढोरा पीट देंगे। ई जब गया सब न ऐसा ऐसा डिसीजन लिया सब कि नशा आ गया, करप्ट थे या सरकार की बात नहीं सुनते थे, मनमानी करते थे। अंडमान निकोबार यहाँ कब्जा मत कर ले कोई, इसलिए डायरेक्ट केंद्र के अंदर रहना चाहिए। लक्षद्वीप डायरेक्ट केंद्र के अंदर चल रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बड़ी समस्या थी पत्थर उत्थर मारने वाला, अब वहां अगर राज्य बना दीजिएगा तो राज्य में मुख्यमंत्री को जनता से वोट मांगना है, तो कई बार मुख्यमंत्री जो होते हैं यानी राज्य सरकार, जनता के गलत डिसीजन पर भी चुप रहना पड़ता है। क्यों? वोट मांगने जाना है। अब मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर में वोट मांगने जाना है तो कहेंगे खुल के कि पत्थर मारने वाले ये हो जाओ, इसलिए हटा दिया, मुख्यमंत्री है ये नहीं है। अब केंद्र शासित है, उसमें अधिकारी हैं सब, जनता से मतलब नहीं है, हो गया। जम्मू कश्मीर की समस्या में एक और गड़बड़ हुआ। इतना बवाल होने के दो रीजन भी थे। जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र का कल्चर अलग होता है, और जो वहां फौज भेजी गई, जो पुलिस लगाई गई, वो यूपी बिहार हरियाणा वाले बेल्ट के थे। यहां पुरुषवादी सोच रहती है, वहां भेज के गड़बड़ हो गया। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में महिला पुरुष मतलब नहीं, आदमी मानव, लड़की पढ़ेगी लड़का भी पढ़ेगा, नौकरी में दोनों जाएंगे। वहां वो डिसबैलेंस कल्चरल डिस्प्यूट हुआ। दूसरी गलती जानते क्या हुआ, अगर कोई अधिकारी मनबड़ है तो बहुत से जम्मू कश्मीर में बहुत योग्य अधिकारियों को भेजा गया, और जो बहुत खराब थे ना कुछ कुछ, जैसे 90% तो योग्य को भेजा गया जो सिचुएशन को हैंडल कर सके, और जो 2-4% अलग अलग राज्यों में थे, करप्ट थे या सरकार की बात नहीं सुनते थे, मनमानी करते थे, तो उनको पनिशमेंट देने के लिए कश्मीर में भेज दिया, जा पत्थर खाओ। ई जब गया सब ना ऐसा ऐसा डिसीजन लिया सब कि नशा आ गया, और यही चाहता था पाकिस्तान कि तुम एक गलती करो ढिंढोरा पीट देंगे। भाई एक घर में चोरी हो जाए पूरा मोहल्ला के नींद गायब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में किसी दिन ताला नहीं बंद होगा तो चोरी हो जाएगा, लेकिन डर बन जाता है कि नहीं। तो एक कल्चरल डिस्प्यूट हो गया, और दूसरा ये पनिशमेंट पोस्टिंग वाला गया सब ने इो नाश दिया सब। अगर वही सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट की फौज वहां भेजी जाती तो कल्चरल डिफरेंस नहीं होता, कल्चरल डिफरेंस। लेकिन अब तो धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। दूसरा जो पत्थर उत्थर चलाते हैं सब ना, आप देखिएगा पत्थर चलाने से पहले मीडिया पहुंच जाती है, वो पहले बता देते हैं कि फलाना चौराहा पे हम पत्थर चलाने जा रहे हैं, मीडिया वाला वहां आके कैमरा वैमरा स्टैंड पे लगा देता है, फिर पूछता अभी तक नहीं चलाए जी, आ रहे खाना पीना खा ले, 1-2 घंटा ना चलाना है, इनको शरीफ समझ रहे हो, तुम तो देख ही लिया असली चेहरा।